हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मार्बल पे कितने सारे दाग लग जाते हैं। पानी के या कुछ गिर जाता है तो उसको कैसे साफ करने के लिए है मैं आज बताऊंगी। मार्बल बहुत ही सॉफ्ट होता है तो इस पे कोई भी चाय, कॉफ़ी या ऐसे नींबू ये सब का सब कुछ भी गिरता है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब भी कभी गिरे तो उसे तुरंत साफ कर लें, मूव कर लें, वरना मार्बल एब्जॉर्ब कर लेगा और उस पे दाग लग जाएगा तो उसे साफ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्लीन करने में। मार्बल को कभी भी सर्फ से, डिटर्जेंट से साफ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसे अगर साफ करना है तो इस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए, मोप कर लीजिए, जैसा कि मैंने मोप कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा गर्म पानी, हल्का सा गुनगुना पानी, वार्म वाटर से इसे थोड़ा सा ढक दूंगी जिससे कि ये जितनी भी गंदगी घर होगी तो निकल जाएगी। सबसे पहले गर्म गुनगुना पानी से मैं इसे कर दूंगी ताकि इसमें जो गंदगी होगी, वाइलीपन होगा, वो निकल जाएगा और इसे फिर मैं पोंछ लूंगी 5 मिनट बाद। अब मैं पानी को पोंछ लूंगी साफ कॉटन कपड़े से। अब मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा हल्का पानी इस पर ऐसे करके लेप लगा देंगे। तकरीबन 10 मिनट हम इसे छोड़ देंगे सभी जगह पर छिड़काव करेंगे और इस तरीके से लगाकर छोड़ देंगे क्योंकि ये फूल जाएगा तो साफ होने लगेगा। ये जहाँ भी दाग हो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट भी लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी को भी पता चले कि मार्बल को कैसे साफ किया जाता है। आप इस तरीके से किचन का मार्बल हो, घर का फ्लोरिंग हो, दीवारों पर भी हो, बाथरूम में हो, सब जगह साफ कर सकते हैं। अब लगभग लगभग 10 मिनट तक हमने छोड़ दिया है तो इसे साफ कपड़े से को मार्बल को इस तरीके से रब करेंगे ताकि जो भी जो गंदगी बैठी है इससे पीलापन, येलोनेस वो निकल जाए। आप चाहें तो ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉटन कपड़ा नहीं है तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। इस तरीके से थोड़ा सा हाथ को दबाएं। देखा आपने, घरेलू चीज़ों से ही मार्बल को हम अच्छे से साफ कर सकते हैं। एसिड का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें नहीं तो मार्बल खराब हो जाएगी। अक्सर हम देखते हैं कि जहाँ पानी लगता है वहाँ भी मार्बल सड़ जाता है और उस पर येलोनेस आ जाती है मार्बल्स पे, तो उसे क्लीन करना बहुत ही हार्ड होता है। अब थोड़ा हम पानी की मदद से इसे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। देखिए कितना साफ हो चुका है ये, देखिए आप खुद देख सकते हैं कितना पहले कितना गंदगी थी, अब कितना साफ हो चुका है इधर। अब इस पर भी क्या करेंगे, थोड़ा सा यह मास्क है तो बेकिंग सोडा लेंगे और इस पर भी थोड़ी देर और छोड़ देंगे और इस तरीके से इसे रब करेंगे। अगर इससे नहीं करना चाहते हैं तो कपड़े से करें,
ब्रश से रगड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कड़े ब्रश से ना करें, तार के ब्रशों का इस्तेमाल ना करें वरना खराब हो जाएगा। अब जहाँ भी येलोनेस या पानी ज़्यादा लगता है तो आप महीने में कम से कम एक बार करेंगे तो ये ज़रूर साफ हो जाएगी। और साफ पानी से मार्बल को पोछा डेली अगर मॉपिंग करते हैं, स्वीपिंग करते हैं तो अच्छे से साफ करें, और पॉसिबल हो तो साफ पानी से करें या हल्का गुनगुना पानी से, इससे मार्बल साफ रहेगा आपका। अब देख रहे हैं कितना हद तक साफ हो गया है, तो अब मैं इसे पानी से पोंछ ले रही हूँ, और फिर जो दाग बचा हुआ है हल्का हल्का, कुछ तो मार्बल के भी दाग हैं अपने, वैसा ही डिज़ाइन है, और ये वाइटनेस है, इस पर भी थोड़ा सा सोडा से फिर मैं एक बार और साफ़ कर लेती हूँ। अब पानी की मदद से इसे साफ़ कर देंगे, तो तीन बार पानी से साफ़ कर दें और ख़ुद से इसे सूखने दें। देखिए जो मार्क्स था कितना साफ हो चुका है ये। आप महीने में एक बार भी कर देते हैं इसे, जहाँ जहाँ ये से गंदा हो जाता है तो बिल्कुल ये साफ हो जाएगा। खुशी से सूखने थे, देखिए कितना साफ हो गया है। महीने में एक दो बार और करेंगे तो और भी ये साफ हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, कॉमेंट बिलो से, थैंक यू।